SKP7 न्यूज मोतिहारी। चंपारण के भंडार गांव में बिखर रहा है गांधी जी का सपना और डूब रहा है खादी का अस्तित्व। जी हां, बता दे कि सरकार के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शताब्दी तथा गांधी जयंती शताब्दी तो मनाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वही गांधी का सपना खादी का अस्तित्व डूब रहा है, जिस पर किसी की नज़र नहीं है। ये घटना चंपारण के ढाका प्रखंड के एक आदर्श घोषित पंचायत भंडार की है, जहां आजादी के समय ही खादी ग्राम उद्योग, जो कि उत्पत्ति केंद्र भंडार के नाम से स्थापित किया गया है, जिससे भंडार सहित सैकड़ों गांव के हजारों घर के दिए जलते थे, यानी सूत काटकर महिलाएं तथा पुरुष अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन लगभग 20 वर्ष पूर्व यहां के कार्य को तो बंद कर दिया गया, लेकिन ये बंदी सिर्फ कार्यों की गई है, जिसे कागज पे आज भी चालू ही दिखाया जाता है। यही नहीं, यहां आज भी मैनेजर नियुक्त है जो अपना वेतन तो उठाते ही है, साथ में उद्योग धंधे के लिए जो खेत है उसका अनाज भी खाते हैं। कुछ कार्डधारी महिलाओं आशा देवी, शारदा देवी, वैदेही देवी, शिला देवी, सुधीरा देवी, फुला देवी सहित सैकड़ों का कहना है कि मैनेजर साहब आते हैं और कुछ खास खास कार्डधारी से मिलकर चले जाते हैं। बता दे कि इस खादी उद्योग को बंद हो जाने से ये हजारों मजदूर तो बेघर हुए ही, साथ ही आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। इस पर नहीं किसी प्रतिनिधि, चाहे सांसद हो या विधायक हो, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दे कि यहां से कुछ ही कदम की दूरी पे हमारे ढाका विधायक फैसल रहमान जी का घर है, लेकिन वो भी सब जानकर अंधा बने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इनके घरों में कुछ चरखा सूत को घरों में बंद रखा गया है तथा मशीन को जंग खा रहे हैं। कितने दिन से? सालों दो साल से ना कटाई छे, सालों दो साल से, पांचों साल भेल, पांचों साल। पैसा उसा भी बाकी है खादी ग्राम उद्योग के? हाँ, किसी को पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया है नहीं। तो काम बंद हो गया तो आप लोग तो बेरोजगार हो गए होंगे, तो क्या करेंगे? कोई पूछने उछने नहीं आता है? कोई नहीं आता है जी। मीना देवी सूत काटते थे इससे पहले? कितना सूत काट लेते थे? अजय हिम्मत जब कटाई तो से कटे 2 किलो 3 किलो। कितना दिन से बंद हो गया? 5 साल से। 5 साल से बंद हो गया, अब कोई नहीं आता है पूछने? तो बंद हो गया, बंद। हाँ, बंद हो गए के बाद में कुछ नहीं, कुछ पाछ नहीं। तो कैसे परिवार चलता है? कैसे तो जैसे भगवान चलाता है वैसे चलता है, भगवान के भरोसे। दिक्कत तो हुई होगी? हाँ, तो कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं मिलता? कुछ जी, ठीक।